नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आपका जो टेक्निकल हेल्पर का प्री एग्ज़ाम हो रहा है 20 मई 2022 से, 20 मई को जो एग्ज़ाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, उस पेपर के लिए टॉप 50 क्वेश्चन अनुमानित क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, गेस पेपर आप इसे कह सकते हो, गेस पेपर। देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। बिल्कुल शॉर्ट में जो है मैं 50 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। और दोस्तों, आप सभी को जो है आपके टेक्निकल हेल्पर के प्री एग्जाम्स की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर बिल्कुल बढ़िया हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रिएक्टिव शक्ति का मात्रक KVR, किरचॉफ धारा नियम सिग्मा आई बराबर जीरो। आप सभी को पता होगा किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणित योग जीरो होता है, किरचॉफ धारा नियम कहते हैं। ऐसी धारा चालक की सतह से होकर गुजरती है, सतह के ऊपर से होकर गुजरने वाला जो प्रभाव है सतह, उसे हम स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, सतह प्रभाव। टाइमिंग युक्तियों में रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग होता है। चालक प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटता है। आवेशों के मध्य बल जो है कुलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। फ्यूज तार विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। NS जो है वो 120 F/P। ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो है AC पारेषण लाइनों में बूस्टर के रूप में प्रयोग होता है। 4 एम्पियर की धारा यदि 0.5 प्रतिरोध में से गुजरती है तो शक्ति वे जो है वो होगा P=I²R, 4×16 × 0.5 = 8 वाट आएगा, ठीक है। स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है गाइस, N नो लोड पे स्पीड माइनस फुल लोड पे स्पीड बटे फुल लोड पे स्पीड गुना 100। मोटर में अधिकतम विकसित शक्ति ज्ञात करने के लिए E = V/2, ठीक है। नेक्स्ट 13 है, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की हार्मोनिक्स के कारण धीरे धीरे चलने की प्रवृत्ति को क्रॉलिंग कहते हैं। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ट्रैक्शन कार्य में DC सीरीज मोटर का प्रयोग होता है। आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन की बनी होती है ताकि भंवर धारा हानियां कम हो। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं। कैपेसिटर के कारण क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है और पावर फैक्टर में सुधार होता है। लेड एसिड बैटरी में कोरोजन, बकलिंग, सेडिमेंटेशन और सल्फेशन दोष होते हैं। इन सभी का निवारण वगैरह भी आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इन सभी दोषेस जो सारे के सारे दोष हैं लेड एसिड बैटरी में, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच माइका होता है। नेक्स्ट है, कैपेसिटर सीरिंग ब्रिज से मापा जाता है। कैपेसिटेंस जो है सीरिंग ब्रिज से मापा जाता है। इंपीडेंस का व्युत्क्रम होता है एडमिटेंस। एडिसन सेल निकल आयरन सेल होता है। एडिसन सेल आपने पढ़ा होगा, निकल आयरन सेल को एडिसन सेल बोलते हैं। और इसकी जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो आयरन ऑक्साइड की होती है, और आप सभी को पता है कि इसकी जो धनात्मक प्लेट होती है वो निकल ऑक्साइड की होती है, निकल हाइड्रेट की होती है एक तरीके से। इंडक्टेंस की इकाई हेनरी आप सभी को पता है। फ्लक्स घनत्व की इकाई भी आपको पता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है, ठीक है। बेलनाकार पोल रोटर जो है उच्च चाल हेतु प्रयोग होता है, आप सभी को पता होगा। स्टीम टर्बाइन्स में काम में लेते हैं। लेंस का नियम आप सभी को पता है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह पैदा हुआ है, ठीक है, इसी को हम लेंस का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट गाइस, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक मान या फिर उच्चतम मान या फिर शिखर मान बटे RMS या प्रभावी मान। त्रिसंयोजित शुद्धि कौन सी होती है, बैंगन आलू गाजर इंथेला, ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थोरियम। ट्रांजिस्टर टर्मिनल कौन से होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर। ट्रांजिस्टर का इक्वेशन आने के पूरी चांसेस है, ट्रांजिस्टर टर्मिनल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कोयल के कारण ही क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शेडेड पोल मोटर का भी एक क्वेश्चन आएगा। कोरोना प्रभाव, भनभनाहट की आवाज़, कोरोना प्रभाव क्या होता है, भनभनाहट की आवाज़ उत्पन्न होना, बैंगनी चमक, ओजोन गैस का उत्पन्न है ना, रेडियो इंटरफेस में बाधा, बंडल कंडक्टर्स का यूज करके इसका निवारण किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है कंट्रोल छड़ें KDMM की बनी होती है। जस्ते पर पारे की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, अम्लगमेशन। गाउस का नियम क्या है, φ = Q/ε0। मेगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो मेगर से हम क्या करते हैं, इसमें एक डायनेमो होता है, ठीक है, 160 RPM पे घुमाने पे लगभग 500 वोल्टेज से ज़्यादा जो है पैदा करता है। सिंक्रोनस मोटर डबली एक्साइटेड होती है, आप सभी को पता है सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर वगैरह सुधारने के लिए काम में ली जाती है, और सभी जो पावर फैक्टर होते हैं उसके ऊपर ये वर्क करती है, लैगिंग लीडिंग यूनिटी, ठीक है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें सिंक्रोनस मोटर के बारे में फेमस है। DC संट जनरेटर बैटरी चार्जिंग एक्साइटर के रूप में प्रयोग में लेते हैं। आप सभी को पता है DC जनरेटर लगभग स्थिर वोल्टेज देता है, इसीलिए जो है बैटरी चार्जिंग एक्साइटर में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर, AC को DC में बदलता है। आप सभी को पता है डायोड का हम इसमें प्रयोग करते हैं, और रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में बदल देता है, पल्सेटिंग DC में, राइट। क्लास एम्पलीफायर की दक्षता जो है 80 से 85%। आप सभी को पता है जो
कंडक्शन एंगल होता है, चालन कोण होता है, उसके आधार पे एम्पलीफायर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के रूप में डिवाइड किया गया है, तो क्लास सी का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। सिलिकॉन डायोड हेतु रोधी का विभव 0.7 वोल्ट होता है, सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम के लिए आपको पता है 0.3 वोल्ट होता है। इसके बाद में देखिए गाइस, अर्धचालक युक्तियों के प्रतीक। अर्धचालक युक्तियों में डायोड, विभिन्न प्रकार के डायोड, इसके बाद ट्रांजिस्टर, FET, MOSFET, SCR, GTO, IGBT, डायरेक्ट ट्राइक, जितने भी UJT वगैरह, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, उन सभी के प्रतीक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन टाइप यंत्र जो है केवल AC पे कार्य करता है। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल जनरेटर काम में लेते हैं। DC मशीन वाइंडिंग, लेव वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लेव वाइंडिंग क्या होती है? उच्च धारा के लिए, कम वोल्टेज के लिए। वेव वाइंडिंग जो है उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए, ठीक है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण आप सभी को पता है, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है, सभी को पता होगा। फेरोमैग्नेटिक लोहे चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय और डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, ठीक है। रिलक्टेंस जो है RM = L/μA, मात्रा क्या होता है? एम्पियर टन पर वेबर। रिलक्टेंस का व्युत्क्रम आप सभी को पता है, ससेप्टेंस होता है। स्टार संयोजन और डेल्टा संयोजन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखिए यार, फ्लेमिंग के जो नियम है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम आप सभी को पता है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए। फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम जो है मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए, डीसी मोटर के लिए नॉर्मली। खोखले चालकों का उपयोग जो है स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम काम में लेते हैं, खोखले चालक या फिर खोखले चालक जो है स्किन इफेक्ट का निवारण हेतु हम काम में लेते हैं, या फिर स्ट्रैंडेड चालक जो होते हैं, स्ट्रैंडेड जैसे ACSR होता है ना, बारीक तारों को ऐंठ कर बनाया गया चालक तार, उससे भी स्किन इफेक्ट का निवारण होता है, ठीक है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।